नमस्कार, फार्मिंग इक्विपमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू होलैंड 3630 स्पेशल एडिशन के बारे में और जानेंगे कंपनी ने इसमें क्या क्या टेक्निकल चेंजेस किए हैं और कौन कौन से नए फीचर्स इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसके बोनेट की, तो ये न्यू होलैंड की ट्रेडिशनल लुक में ही मिलता है और साथ में इसके ऊपर स्पेशल एडिशन की बैजिंग भी दी गई है। इसके बाद अगर बात करें ट्रैक्टर के सबसे मेन पार्ट इसके इंजन की, तो इसमें आपको 2931 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है जो कि 2300 आरपीएम पर 55 एचपी की पावर जनरेट करता है। इसमें 55 एम्पियर का अल्टरनेटर दिया गया है जो कि इस कैटेगरी के और ट्रैक्टर में 35 से 40 एचपी का दिया जाता है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो वो आपको 100 AH की दी गई है। और जो इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है वो फाइबर का दिया गया है जिसके कारण इसमें रस्ट की दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो सेमी फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसके बीच में थोड़ा सा बम्प देखने को मिलेगा और इसमें एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया गया है। और इसका जो एयर क्लीनर है वो ऑयल बाथ टाइप दिया गया है। अगर बात करें इसके स्टेयरिंग की, तो वो इसमें सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक स्टेयरिंग दिया गया है और इसका जो ऑयल कंटेनर है वो अलग से माउंट किया गया है। जो इसका फ्यूल पंप है वो रोटरी टाइप दिया गया है। इसमें 2 हाइड्रोलिक पंप दिए गए हैं जो कि एक लिफ्ट के लिए और दूसरा स्टेयरिंग के लिए दिया गया है। और इसमें फाइबर का टूल बॉक्स दिया गया है। इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ आती है जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 2000 kg प्लस दी गई है। इसमें आपको GS PTO मिलती है जो कि 47 HP की PTO पावर के साथ दी गई है। और यहाँ पर इसमें कोई भी हाइड्रोलिक इम्प्लीमेंट यूज़ करने के लिए 2 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व दिए गए हैं। जो इसका रियर एक्सल है वो हब रिडक्शन के साथ आता है जिसके कारण इसका 25% तक टॉर्क बढ़ जाता है। और इसमें जो क्लच दिया गया है वो डबल क्लच दिया गया है, यानी PTO के क्लच के लिए लीवर अलग से दिया गया है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो न्यू होलैंड के पुराने वाले डिज़ाइन में ही दिया गया है, उसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया। यहाँ पर इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया गया है जिससे ड्राइवर अपना मोबाइल आसानी से चार्ज कर सकता है। और अगर बात करें इसके ब्रेक की, तो इसमें मैकेनिकल एक्चुएटेड ऑयल इमरेस्ट ब्रेक दिए गए हैं और यहाँ पर ब्रेक पैडल के साथ में ही फुट ऑपरेटेड एक्सलरेटर दिया गया है। इसमें 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स कॉन्स्टेंट मैस गेयरबॉक्स दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।